और चलिए अब आपको सुनाते हैं सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं। थैंक यू कल थोड़ा सा नीचे भूम नीचे थोड़ा सा भूम नीचे तो कल जो राजस्थान उपचुनाव का परिणाम आया है वो इस बात को दिखलाता है कि राजस्थान में नई सरकार बनी, सरकार बनने में जो विलंब हुआ, सरकार बनने के बाद चलते चुनाव में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए और नैतिकता को ताक पर रखते हुए भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री बनाया गया। और मैं समझता हूं शायद राजस्थान में पहली बार हुआ होगा कि मंत्री बनाया बिना विधायक बने, लेकिन प्रदेश की जनता ने उस उपचुनाव के माध्यम से संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग स्वीकार नहीं रहे हैं। हम लोग चुनाव जरूर हारे हैं कांग्रेस पार्टी राजस्थान में, लेकिन जनता और खास करके नौजवान और किसान कांग्रेस के साथ है। ये आने वाले लोकसभा चुनाव का भी एक प्रतीक है कि जिस प्रकार पूरी सरकार ने ताकत लगाई, सारे मंत्री मुख्यमंत्री वहां पर गए, उपचुनाव में प्रचार किया, भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री बना दिया, बावजूद उसके एक अच्छे बड़े मार्जिन से रूबी कुन्नर जी चुनाव जीते। ये जीत कांग्रेस की जीत है, ये जीत क्षेत्र की जनता की जीत है कर्णपुर की, और ये जीत उन किसानों की है जिन्होंने आंदोलन किया, उन नौजवानों की है जो आज चिंतित हैं भविष्य को लेकर। और ये संदेश जयपुर और दिल्ली दोनों के लिए है कि आप जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, जनता को प्रभावित नहीं कर सकते, आप निर्वाचन आयोग और तमाम नैतिकताओं को ताक पे रखकर अपनी राजनीति नहीं कर सकते। तो ये चुनाव का जो परिणाम आया है पूरे देश में संदेश गया है, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उस क्षेत्र के मतदाताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा और एक अच्छे बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को अपने गिरिबान में झांककर देखने का भी मौका है कि सरकार बनने के तुरंत बाद इतना करारा झटका जो मिला है ये कोई सामान्य बात नहीं है, और इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर। पायलट साहब, आप राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, क्या फोकस आपका राजस्थान से हट जाएगा राष्ट्रीय? देखिए, 14 तारीख को राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चालू हो रही है और ये 14 स्टेट्स में से गुजरेगी। और मणिपुर में शुरुआत क्यों हो रही है? क्योंकि मणिपुर में न्याय नहीं मिला, मणिपुर में इतना लंबा समय हो गया, वहाँ तनाव है, वहाँ हिंसा है, वहाँ शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोग पीड़ित हैं, और वहाँ की सुध लेने वाले जो डबल इंजन सरकार के लोग हैं, चाहे मणिपुर के चाहे दिल्ली के, किसी को ना फुर्सत है ना चिंता है। तो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने इस शुरुआत को जो हम लोग मणिपुर से कर रहे हैं वो बहुत सांकेतिक है, उसके बहुत महत्व हैं। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और मुझे लगता है कि ये मणिपुर से मुंबई जो यात्रा है इसका एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जो पहली यात्रा थी हमारे राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, ये इसका दूसरा पार्ट है, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित किया है जन कल्याण की इश्यूज़ के ऊपर, पब्लिक के इश्यूज़ के ऊपर, और जो प्रदेश और देश के अंदर जो हालात बने हैं उस पर ध्यान फोकस करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जज्बाती मुद्दों को आगे रखकर राजनीति करें, लेकिन हम लोग, राहुल जी, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि जनता का दिमाग और ध्यान वापस उन मुद्दों पर लेकर आएं, किसान के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, लगातार मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस पर नाकाम और बेकाबू तरीके से वहाँ पे माहौल बनता चला जा रहा है, इन सब इश्यूज को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी हैं, अभी फेरबदल किया है ICC में, जिन जिन लोगों को जिम्मेदारियाँ दी हैं हम सब मिलकर काम करेंगे। और विधानसभा चुनाव में भी आप देखिए जो वोट प्रतिशत है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है चाहे वो राजस्थान है, हमारा वोट कम नहीं हुआ है। हाँ, हम सरकार नहीं बना पाए उसका दुख हमको है, और राजस्थान में हर बार हम लोग सरकार बनाते हैं लेकिन दोबारा रिपीट नहीं कर पाते, ये भी चिंता का विषय है, इस पर चिंता हम लोग कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी हम लोगों की है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे परिणाम इस बार इन सभी राज्यों में हमारे आएंगे। विपक्ष को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है? विपक्ष को लेकर नेता प्रतिपक्ष को लेकर सब समय पर हो जाएगा। आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, मंत्री बनाने को लेकर, विभाग बांटने को लेकर अब प्रत्याशी देरी हुई, असली देरी तो वो है। हम तो विपक्ष में आ ही गए, हम तो अपना काम कर लेंगे, विधानसभा चालू होगी, हमारे सब निर्णय हो जाएंगे और सब मिल बैठ के कर रहे हैं। लेकिन सरकार में जो काम अब तक हुआ है, हालांकि अभी सरकार नई बनी है और पहला काम इन्होंने किया नौकरियां कम करने का काम किया, योजनाओं के नाम बदलने का काम किया,
मुझे लगा, मुझे उम्मीद ये थी कि सरकार बनने के बाद एक सकारात्मक शुरुआत होगी और हम भी चाहते सरकार को समय दें, अपना काम कर दिखाएं, लेकिन अगर शुरुआत ही ऐसी हो रही है कि नौजवानों के साथ विश्वासघात हो रहा है, उसका सीधा परिणाम आप लोगों ने इस उपचुनाव में देख लिया। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूती से काम करेगा, जिस राज्य की मुझे जिम्मेदारी दी है वहाँ पर हम लोग सघन दौरे करेंगे, सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे परिणाम आने। राम मंदिर का भव्य आयोजन हो रहा है, आपने दौरे किए, सीटें आपने वहाँ जीती है, मैंने सघनपुरा आपने करणपुर का किया था, हम सब मिलकर चुनाव लड़े थे और ये समय आज एकजुटता दिखाने का है और कांग्रेस पार्टी में भी हम सब लोग चाहते हैं कि आने वाली चुनौती लोकसभा चुनाव की है, उसके लिए संगठित, सक्रिय और मजबूत होकर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सर, लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, भव्य आयोजन हो रहा है, कि आप भी जाएंगे 22 जनवरी को प्रांत? भाई ये मुद्दा मैं समझता हूँ धार्मिक मुद्दा है, जनता की भावना से जुड़ा मुद्दा है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस बीजेपी जनता दल की बात नहीं है, ये देश की भावना की बात है, जिसकी जो श्रद्धा है अपना काम करेगा, लेकिन हमारा इशू है डेवलपमेंट का इशू, हमारा इशू है चुनाव जनता के मुद्दों को लेकर होना चाहिए, भावनात्मक जज्बाती मुद्दों को लेकर राजनीति करेंगे तो वो लंबे समय के लिए सही नहीं है और मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी का स्टैंड बढ़ा।